जो दवा 500-500 में मिल रही थी, आज उसका प्राइस घटा के 80-90-100 ऐसी प्राइस में मिल रही है, जो मतलब उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है गरीबों को। मिडिल क्लास फैमिली जो दवा परचेस नहीं कर सकते थे, वो अब आसानी से ये दवाइयाँ ले सकते थे। सेवा बहुत अच्छी है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और ये जो बाज़ार में मिलती है उससे सस्ती कीमत में मिल रही है दवाई। सूरत में लोगों की ये राय जाहिर कर रही है कि इन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भरपूर लाभ मिल रहा है। अनिक लाकड़ावाला सूरत में इस जन औषधि केंद्र के संचालक हैं। इस योजना को लेकर उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। जेनरिक मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा जो दवाइयाँ मिल रही है बराबर है, वो और जो बाहर मेडिसिन जो मिल रही है अदर मेडिकल्स में, वो दोनों की जो ड्रग और कंटेंट है वो दोनों सेम ही आते हैं, लेकिन जो प्राइस है वो प्राइस में 60-80% उन लोगों को डिफरेंस आ रहा है बराबर। जैसे मान लो प्रेशर और डायबिटीज़ का कोई भी एक आदमी का एक महीने का खर्चा 7-8 हज़ार रुपया हो रहा है, तो अभी ये अपने यहाँ पे आके ये केंद्र में उनका जो मेडिसिन का खर्चा है वो 2800 से 3000 में कंप्लीट हो रहा है, तो वो उनको मेन बेनिफिट हो रहा है। सूरत में इस जन औषधि केंद्र की शुरुआत के बाद ज्यादातर लोग यहाँ दवा लेने आते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि सस्ती और उच्च गुणवत्ता की दवा यहाँ मौजूद है, लिहाजा किसी और जगह क्यों जाएं? यहाँ से डायबिटीज़ की और प्रेशर की दवा खरीदी है जन औषधि की, क्योंकि मैं पहले बाहर से ले रहा था दवा, जो इंग्लिश दवा आती है वो मेरे को सबसे ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, और जब से ये जेनरिक दवा चालू हुई है वो मेरे को अभी 60-65 रुपये में पड़ रही है, तो मेरे को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और दवा का असर भी अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो ये योजना चालू की है वो अच्छी है, और गरीब लोगों को भी फायदा हो रहा है और मीडियम वर्ग को भी फायदा हो रहा है। जन औषधि केंद्र संचालक अनिक के मुताबिक केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़े प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, इससे विश्वसनीयता बढ़ी है, यही वजह है कि लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट के योजना के तहत चल रहा है बराबर, तो वैसे भी प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी है, वैसे भी उनके ऊपर विश्वास करने वाले कई लोग हैं, तो जाहिर है उनकी बनाई हुई जो भी चीज़ है, मान लो ये दवाइयाँ है या आवास योजना है, तो वो सब में सारे अभी जो पब्लिक है मतलब यहाँ पे जो भी पब्लिक आ रही है वो आँख बंद करके विश्वास कर रही है और वो दवाइयाँ आराम से खा भी रही है, और उनको जो बेनिफिट पहले हो रहा था मतलब जो डायबिटीज़ में उनको इफ़ेक्ट हो रही थी पहले, वो जेनरिक में भी सेम बेनिफिट हो रहा है। जन औषधि केंद्रों के सफल संचालन की ये तस्वीरें गरीब जनता के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शा रही हैं। सस्ती दवाओं की ये योजना गरीब परिवारों की बड़ी मददगार साबित हो रही है।